सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल को और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस ना हो। गुड लक गाइस। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। वर्ड ऑफ द डे सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12th एपिसोड है। आज का वर्ड है डिस्कम्फर्चर। डिस्कम्फर्चर इज अ नाउन विच मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिसकंसर्टेड, कंफ्यूजन, एम्बरेसमेंट। डिस्कम्फर्चर एक ऐसा वर्ड है जब हम कभी घबराए हुए होते हैं, उलझन में होते हैं, या कभी किसी भी हार की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही होती है, तो उस ऐसी अवस्था के लिए हम डिस्कम्फर्चर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्कंसर्टेड। डिस्कंसर्टेड मतलब क्या होता है? घबराया हुआ। कन्फ्यूज़न आपको पता ही है। एम्बरेसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी, यानी कि किसी भी चीज़ की शर्मिंदगी, जैसे हार गए हम किसी से तो हार की शर्मिंदगी। तो यहाँ पे पराजय और उलझन, यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं इसके। ठीक है, बात समझ में आई। डिस्कम्फर्चर नाउन है, एक फीलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कैसी फीलिंग? जब घबराहट जैसी फीलिंग हमारे अंदर होती है ना, कन्फ्यूज़न वाली फीलिंग होती है कि ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, भ्रम पैदा रहता है अंदर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के शर्मिंदगी होती है, तो उस फीलिंग के लिए भी हम डिस्कम्फर्चर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आइए सिनोनिम्स देखते हैं इसके। एम्बरेसमेंट, अनईज, ऑकवर्डनेस, डिस्कम्फर्ट। एंटोनिम्स हैं एप्लॉम्ब, एसेंट, अटेनमेंट, डिलाइट। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अस्वीकृति और असफलताओं का सामना किए बिना कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं पा सकता। सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्चर एंड सेटबैक्स वन कैन नेवर फाइंड ट्रूथ। ठीक है, समझ आया? तो एक वर्ड ही नहीं आप इस वीडियो में सीख रहे हो, काफ़ी वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। सेंटेंस में एक नया वर्ड यहाँ पे देखने को मिला है, सेटबैक्स। सेटबैक्स आपको पता ही है, असफलताओं को सेटबैक्स कहते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। वह शर्मनाक हार की भावना को छिपाने के लिए दूर चली गई। वह शर्मनाक हार की भावना को छुपाने के लिए दूर चली गई। होता है ना, जब हम हार जाते हैं तो अपने शर्म को छुपाने के लिए कहीं चले जाते हैं, होता है ऐसा। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो। शी टर्न अवे टू हाइड हर डिस्कम्फर्चर। शी टर्न अवे टू हाइड हर डिस्कम्फर्चर। डिस्कम्फर्चर किसके लिए यूज़ हुआ है? शर्मनाक हार की भावना, यानी वो फीलिंग जो उसे शर्मिंदगी देती हो, उसके लिए यूज़ हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह व्यवहार अच्छा नहीं जो दूसरों में अस्वीकृति या झुंझलाहट का कारण बनता है। ध्यान से समझो सेंटेंस। वह व्यवहार अच्छा नहीं जो दूसरों में अस्वीकृति या झुंझलाहट का कारण बनता है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, द बिहेवियर इज नॉट गुड दैट कॉजेज डिस्कम्फर्चर और अनॉयंस इन अनदर। ठीक है, समझ आया? द बिहेवियर इज नॉट गुड दैट कॉजेज डिस्कम्फर्चर और अनॉयंस इन अनदर। इस सेंटेंस में एक और नया वर्ड आपको मिला, अनॉयंस। अनॉयंस मतलब होता है चिड़, ईर्ष्या, या यूं कहें जलन। तो बात समझ में आ गई। इस वर्ड ऑफ द डे में आपने एक वर्ड ही नहीं, कई वर्ड सीखे हैं। तो ध्यान रखना है, वीडियो को इस तरीके से ना देखें कि मुझे एक वर्ड सीखने को मिलेगा, इस तरीके से देखें कि इसमें कई सारे वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ वन वर्ड। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई नई मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।